संक्रांति का बड़ा कार्यक्रम होता है उसमें आप इन्वाइट कर सकते हैं। स्नेह जैसे कि हमारे रामाना जी थे और ये सब घुमंतु समाज जो है महादेव जी को अपना आराध्य मानता है, तो ये पूरे एक एक समरसता के अंदर एक काम शुरू हुआ। तो जो एस्टैब्लिश कम्युनिटी जो है, जो शहरी लोग हैं, एस्टैब्लिश कम्युनिटी है और ये नोमैडिक कम्युनिटी है, इन दोनों का मिलाप होना बहुत जरूरी है। और जो घुमंतु समाज के अलग अलग तबके में रहने वाले, अलग अलग में रहने वाले उन लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म मिले इकट्ठा आने का। तो महादेव जी की जो महाशिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि को भटके विमुक्त मेला ऐसा नाम दिया, स्नेह मेला ऐसा नाम दिया। और उनका ऐसी इच्छा थी कि ये भटके विमुक्त की यात्रा होनी चाहिए, उस यात्रा में सब लोग आवे और भटके विमुक्त समाज की आगे की दिशा तय हो। तो ऐसा होता है, सब लोग आते हैं पुणे मुंबई से, सब लोग आते हैं, घुमंतु समाज का होता है रात्र भटके, उनके कल्चरल प्रोग्राम, घुमंतु समाज के कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, यमगरवाड़ी के बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। और घुमंतु समाज का आज का इस ऑर्गेनाइजेशन का आज का काम का स्टेटस क्या है, आगे क्या करना चाहिए। इस समय हमने दो कार्यक्रम रखे हैं, एक महिलाओं का अलग 500 महिला अपेक्षित हुई है, 38 कम्युनिटी की महिलाएं उसमें आवे और महिला के क्षेत्र में जैसे उनकी बचत गट की योजना है या उनका ट्रेडिशनल बिजनेस की योजना है या हेल्थ का विषय है, इस विषय को लेकर दिन भर की वो महिलाओं की कॉन्फ्रेंस और पुरुषों की कॉन्फ्रेंस दो लेवल पे। और यमगरवाड़ी का कोई प्रोग्राम 1 घंटे का होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है। आप सबको इन्विटेशन है कि आप इस महाशिवरात्रि के दिन इस नए मेला मेला में आके आप देखिएगा। 7 तारीख को है यमगरवाड़ी। यमगरवाड़ी इज 19 किलोमीटर अवे फ्रॉम तुळजापूर एंड 45 किलोमीटर अवे फ्रॉम शोलापूर। रिसेंटली दैट सेंसस वाज हेल्ड, इट वाज इंसिस्टेड बाय अस ओनली, अदरवाइज द पीपल यूज टू से दैट द कास्ट वाइज सेंसस शुड नॉट बी देयर, इट वाज देयर इन द लोकसभा आल्सो। But in one of the meeting, I personally have insisted the caste-wise counting has to be there. Unless and until how could we can realize that how many numbers are there and where they are staying, what are their residence point? So somehow, but 100% inclusion is not because they are not traceable. Most of the communities are not traceable. And as per the commission, one of the commission last government, UK government was established under the Bhiwandi NK's chairmanship. According to him, he said that in the national level, the population of the nomadic tribes are 16 crore 70 lakhs plus. But still, I'm not sure we all are included in the census. Most are untraceable. मेरा परिवार शुरू के दिनों से ही यमगरवाड़ी से जुड़ा है और विनोद जी पिंडारकर जी हमेशा यहाँ से सबको लेके जाते थे, पहले वो जुड़े थे, पिताजी माताजी सब जाके आए वहाँ पे। तो ये यमगरवाड़ी प्रोजेक्ट के पहले सुनने के पहले जैसे मेरा भी विचार यही था और हमारे घर में भी सब यही सोचते थे कि पाटी समाज वही समाज है जो MP में और महाराष्ट्र में सब जगह पर लूटपाट करता है और रस्ते में हाईवेज के ऊपर भी वो लूटपाट करके और बहुत क्रूअल वे में लोगों के सिर हथौड़े से तोड़ना फोड़ना करता है। उसके बाद विचार बदला कि ये लोग और भी सब काम करते हैं और ये गाय लेके चलते हैं, ये सारा विचार बदला। लेकिन आज भी मन में विचार ये है कि कुछ एक कम्युनिटीज ऐसी आज भी हैं जो ये लूटपाट का और हथौड़ा मार के सिर से जो मारते हैं क्रूअली, वो आज भी वो कम्युनिटी है। तो ऐसी कोई कम्युनिटीज हैं जो ये काम करती हैं? और एक कम्युनिटी जैसे कि महाराष्ट्र में सोलापुर अकलूज माशिदस नगर करमाला इस एरिया में शिंदे काले भोसले ये 3 कम्युनिटी है जिसमें हमने पहला काम शुरू किया एंड दैट इज अनसक्सेसफुल वर्क, टोटली अनसक्सेसफुल वर्क। ये जो है आप जो बात कर रहे हैं ना, वेरी क्रूएल, वेरी वेरी क्रूएल। बट पॉजिटिव थिंग इज दैट फ्रॉम दैट कम्युनिटी इन
स्कूल द फर्स्ट स्टूडेंट परमेश्वर काले. परमेश्वर काले वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट बिलोंग टू द फसल पार्टी जिसके पिताजी ने उसके माताजी का फोन किया. भागके गया 14 साल उसको जेल हो गई. अभी अभी छूट के आया है. उसको परमेश्वर काले हमारे स्कूल में पढ़ा. ही स्टूड फर्स्ट इन द बोर्ड. ही स्टूड फर्स्ट इन द एसपी कॉलेज पुणे. लेटर ऑन व्हेन वी यूज्ड टू आस्क क्या बनने वाले हो तो पहले 10वीं तक बोलता था कि मुझे पीएसआई बनना है. भारतीय कम्युनिटी में पीएसआई सबसे बड़ा आदमी दुनिया का कौन शक्तिशाली तो पीएसआई बनना है. 12वीं में गया मैंने कोई क्वेश्चन पूछना अरे परमेश्वर क्या करने वाला है मैंने मुझे एमपीएससी करना है. फिर 12वीं के बाद रिजल्ट लगा मैंने बोला कि क्या नहीं अभी तारीख में डीएड करूंगा. डीएड किया. डीएड के बाद मेरे बोला अरे यमगरवाड़ी में जगह है एसटी की जगह है आ जा लग जा. बोला कि नहीं मैं तो नौकरी लगूंगा मुझे पगार मिलेगी लेकिन मेरे समाज का क्या. मैं आश्रम शाला चला और शोलापुर के नजदीक में फुले गांव नाम का गांव है वहां पे ये परमेश्वर काले खुद पार्टी समाज के आश्रम शाला चला. 65 स्टूडेंट्स आते गवर्नमेंट का पैसा नहीं है जैसे हम लोग मांग मांग के करते वैसे वो भी मांग मांग के युद्ध सको. पर ये बच्चा खाली कर ये हमारा हिंसा है. हिंसा है व्हाट यू हैव सेड दैट इज ट्रू बट द चेंज इज आल्सो ट्रिमेंडस चेंज इज देयर. द फर्स्ट जनरेशन वी कुड नॉट चेंज बट द नेक्स्ट जनरेशन ट्रिमेंडस चेंज इज देयर. दीस पीपल्स आर नॉट आपने बताया कि सब कम्युनिटीज है उसमें कुछ लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या कोई इनिशिएटिव लेते हैं हम. तो आज ये सब जो समाज के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके हाथ में
पंच परंपरा से भी आते हैं या पंच चुने भी जाते हैं। हमने ये प्रयोग किया पिछले 3 साल से, हमने ये किया कि इस समाज को एक एक को कहां तक जाके बोलेंगे कि ऐसा करो ऐसा करो ये करो करो। जब समाज में आ गया कि पंचों के हाथ में पूरी कमी निकली है तो हमारे प्रवास हो गया। हमने बुजुर्ग पंचों को पूछा क्या हम सभी पंचों को एक जाति के पंचों को इकट्ठा करके कि आपके कम्युनिटी का विकास का दायरा तय कर सकते हैं क्या। उसको हमने फलाना समाज का नाम पहला हमारा जो हो गया वो ओतारी समाज का हो गया। ओतारी समाज जात पंचायत पंच परिषद ऐसा हमने नाम दिया। सब लोगों को इवन सभी अपने कार्यकर्ता को भी लग रहा था कि ये कुछ तो निकाल रही है इतना सुवर्णातय ऐसा नहीं होगा, हम लोग जाति का काम नहीं करते ये करते। ये कम्युनिटी अपने जाति की सोच इकट्ठा है। कम्युनिकेशन विदिन द कास्ट ही है, अदर कास्ट में कम्युनिकेशन बहुत कम है। तो सभी क्या हम लोग 50 का टारगेट रखेंगे, 50 भी पंच आते हैं ना तो बहुत हो गया। पहले पंच परिषद में 250 पंच महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक इस लेवल के ऐसी 13 पंच परिषद हमारी हो गई। और उस पंच परिषद में हमने क्या किया कि आपकी आपका इतिहास क्या है, who were you, आप कौन थे, what is your contribution in the nation building, what is your contribution, where were you in that time and where were you are in the present time, why this has happened, don't you want to come out of this, if you want to come out of this then what we have to do. गतशाही चर्चा से उनको बैठ के अपने मतलब कि बच्चों के हाथ में ताकत है ना तो आप ये निर्णय ले लो कि जिस घर का बच्चा स्कूल में जाएगा उस घर को हम बहिष्कृत करें, है ना प्लीज में। और मई महीने में ऐसे उनकी बैठक बैठती है और हर घर के बच्चे और बच्चा स्कूल में जाना चाहिए। गतशाही चर्चा उनके विकास का, उनके शासन रिलेटेड विषय का, उनके व्यवसाय का, उनके सब शादियाँ होती है, ये होती है, सब थिंग्स आती है। आज मुझसे क्या हो गया, हमारी अचीवमेंट क्या है, ये 13 पंच परिषद से हम लोगों को 18 कार्यकर्ता मिले जो अपने अपने कम्युनिटी का काम करने के लिए, नहीं तो इस कम्युनिटी में जाके काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना अंतर पड़ गया है। अविश्वास का एक जो होते हैं ना, अविश्वास की दरी हम में है। अगर उसी कम्युनिटी का कार्यकर्ता मिलता है ना तो कॉन्टेक्ट करने में बहुत इजी जाता है। एंड ये जो भी स्कूल पाला जी शाह है चुकी चुकी का स्कूल का स्प्रेडिंग 38 कम्युनिटी तक हम गए हैं तो उसमें जात पंचायत का हमें बहुत बड़ा योगदान मिला, पूरे पंच भी इसके पीछे। लेकिन बाद में बीच में जात पंचायत का नासिक का विषय आ गया, डरने लगे और फिर हमने नाम बदल के समाज परिषद इसको नाम दिया। फिर आज भी हम करते हैं। टोटल फंडिंग कैसा होता है, मतलब आप अलग अलग जगह जाके प्रेजेंटेशन करके यू रिक्वेस्ट फॉर द डोनेशन और अकाउंट मतलब द बोथ द वेज सी दिस प्रोजेक्ट इज बेस ऑन पैरेंटरशिप इज टेकन बाय द सर। और मैं कार्यकर्ता करके लेकिन हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि संघ की पुण्या इतनी है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में संघ पीछे खड़ा हुआ है। ये भी है और ये काम जो चल रहा है लोगों के सामने लाने के लिए लिखना, बहुत सारी जगह पे भाषण करना, अपने परिवार की जो संगठन है उनमें जाना, जो दानशूर व्यक्ति है उनके उनके पास ये रखना और काम देखते हैं तो मिलता है। सिर्फ 120 बच्चों का यमगरवाड़ी में ग्रांट मिलती है आश्रम शाला की, बाकी किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ ग्रांट नहीं। लेकिन ऐसे भाषण करना, आर्टिकल लिखना, साप्ताहिक विवेक में ये सब रेगुलरली आर्टिकल आते हैं, साप्ताहिक विवेक आह्वान करता है, हर मेंबर जो है सब्सक्राइबर जो है उसने हर महीने का 1 रुपया, साल का 12 रुपए, ऐसे करके फंडिंग जमा की है। हमने अभी आज के इसमें जो महंगाई के इसमें हमने जो एक बच्चे के पीछे कॉस्ट निकाली 10,000 इसका साल का उसका है। और वो जो साल जो झुग्गी झोपड़ी का जो विषय है, झुग्गी झोपड़ी का जो विषय है उसको 1.5 लाख का खर्चा उस पालावची शाला के लिए हमने ये किया है। 1 साल का खर्चा आता है उसमें, जो टीचर है उसका रेम्यूनरेशन है, स्कूल इक्विपमेंट का जो विषय है, फिर जो बच्चों को हम उसको खाने के लिए देते हैं उसका 1 साल का खर्चा 1.5 लाख का है।
पालावर शाखा में कितने बच्चे हैं? पालावर जी स्कूल में हमने 20 से 60 तक की संख्या रखी है, कई पर 20 है, कई पर 80 तक की रखी है। पालावरची शाळा सम सब रिपोर्ट आया है ऑलरेडी बहुत, एंड परिषद करके क्या चल रहा है ऐसे रिपोर्ट होते हैं, एक साल का रिपोर्ट है वो, और वेबसाइट पे भी सब मिलेगा। अलग से वेबसाइट है इसका? हाँ है। ये फंडिंग में जैसे पूछा था इन्होंने ये कुछ का बताया, वैसे अपने बंसल की है उनको मैं दिखाने लेकर गया था, बंसल जी को दिखाने लेकर गया। 1 लाख रुपया ये शाला का है, ये पर स्टूडेंट है पूरे शाला का? पालावर की शाला का टैक्स है, टैक्स है सारा का। 10 महीना स्कूल चलता है और वो उसी में रहते हैं भाई? नहीं, गाँव में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, बस्ती के ही पंचकोशी की जो बस्ती है इनकी ऐसी बस्तियां सड़क नहीं होती है, 5 घर 6 घर 10 घर 12 घर के कम्युनिटी ऐसे अलग अलग तबके में रहते हैं। और फिर उनका स्कूलिंग भी कैसा है, तो कचरा जमा करते हैं या भीख मांगने के लिए जाते हैं, प्लास्टिक जमा करते हैं। हमारे ट्रेडिशनल स्कूल की टाइमिंग क्या है, 7:30 to 12:30 to 12:30 to 5:30, वी कैनॉट रन स्कूल इन दैट टाइम, सो व्हेनेवर दे फिनिश देयर वर्क वेदर बैगिंग और कलेक्टिंग द प्लास्टिक और द मेटल्स जो भी है, उसके बाद जब फ्री होते हैं बच्चे तब उस समय हम स्कूल नहीं करते। एक एक रुपया वाली बात बताए, दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, बंसल जी को मैं लेकर गया था सबके का, 70 लाख रुपए की, 60 लाख का उन्होंने लड़कियों के लिए हॉस्टल बना के दिया, 10 लाख ऐसे करके, ऐसे देने वाले भी है और एक एक रुपया देने वाले भी है, समाज देता है, पैसे के लिए काम उठता नहीं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगेगा लेकिन रियली बाय हार्ट आई एक्सप्रेसिंग माय थॉट्स दैट कि पूरे डे वन से मुंबई का रोल और मुंबई के इसमें विमल जी का रोल जो है, इसमें जब भी कुछ भी काम पड़ता है तो यस बॉय थिंग्स गो स्मूथली, दिस कंट्रीब्यूशन इज रियली अमेजिंग। और लड़कियों के लिए पिछले 4-5 साल से हमने नर्सिंग का है, क्योंकि लड़कियों की शादी की जाती है, लड़की घर में नहीं रहते हैं, तो हमने सोलापुर के वाड़िया हॉस्पिटल से डीन से बात किया और उनको ऐसे रिक्वेस्ट किया कि क्या आप 1 साल का एनएम का कोर्स तैयार कर सकते हो क्या, ये ट्रेनिंग लेने के बाद इमीडिएटली वो लड़की को कोई जॉब मिले। और ऐसा हुआ कि उन्होंने तैयार किया, 1 साल का 10वीं के बाद 1 साल का ट्रेनिंग लेते हैं और अपने परिवार के जो हॉस्पिटल है उसमें जॉब में 7,000 से लेकर 10,000 तक सैलरी मिलती है, रहने खाने का खर्चा होता है। और वो जो लड़की है जिसको शिक्षा की परमिशन नहीं थी, वो लड़की पूरी फैमिली की आधार है। आगे जाके कुछ सेतु जैसा करते हैं, जो बच्चे रहते हैं और उसको तक पढ़ा दिया, उसके बाद पापा का वो सेतु नहीं हुए तो वो वापस जाके होगी? नहीं, अब टोटली ट्रैक रखते हैं उसका, 10वीं के बाद उसको या स्किल का दे उसको या कहीं नौकरी लगाना है, नौकरी लगा के कोई ना कोई एक गार्डियन, जिस जहाँ पर नौकरी अपना कार्यक्रम था उसका गार्डियन होता है। शुरू में ऐसा आप जैसे बोलते हैं, शुरू में ऐसा होता है पढ़ा के छोड़ दिया और बाद फिर से वो क्रिमिनल बन गया, ऐसा हुआ, दैट इज ऑल्सो वन एक्सपीरियंस वी आर हैविंग, बट लैटर ऑन व्हाट वी हैव डिसाइडेड द ट्रेस नहीं छोड़ना है, जब तक उसकी शादी बनाने तक उसका घर बसाने तक का काम करते हैं। छोटे छोटे इसमें फोन हो गया, व्हाट्सएप पे तो सब है, अपने बहुत सारे व्हाट्सएप का ग्रुप चलता है। So thank you for listening quietly and very curiously. I'm very happy the people like you, intellectual people, have listened this very neglected subject. I'm very much happy.